और वे आगे भी अक्षुण बने रहेंगे। राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें, जिससे दूसरा कोई आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है उसे हम भारतवासी पहले करके दिखा दें। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्य को आत्मसात करें जिसमें कहा गया है, संगच्छव्यम संधव्यम संग ओ मनास जानता, अर्थात हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, हमारे संकल्प स्वरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हों। आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। जय हिंद जय भारत। विशेष अब खत्म होएगा, बस होएगा। अब हम इसी के कड़ी के आगे माननीय लोकप्रिय विधायक श्री कैलाश नाथ शुक्ला जी से भी चाहेंगे कि वो दो शब्द कहें। धन्यवाद मंडल अध्यक्ष जी, मोहल्ला शक्ति केंद्र के इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में आज हम सब पार्टी परिवार के मुखिया, सबके बीच बहुत ही लोकप्रिय स्थान रखने वाले आदरणीय जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह जी, जिनके मंडल में यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मंडल अध्यक्ष बृजगोपाल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री तरुण तिवारी जी, लोकसभा क्षेत्र में पूरा समय देकर के विस्तारक के रूप में पार्टी कार्य को विस्तार देने वाले हमारे मृत्युंजय जी, यहाँ के सम्मानित प्रधान प्रतिनिधि राधेश्याम वर्मा जी, हमारे शक्ति केंद्र संयोजक शांति दुबे जी, अजय तिवारी जी, महामंत्री संतोष जायसवाल जी, इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य, आपका क्षेत्र तो सामने से है, चलिए इस क्षेत्र में अतिथि के रूप में हमारे अशोक यादव जी, अन्य सभी सम्मानित कार्यकर्ता मित्र, बूथ अध्यक्ष शक्ति केंद्र कार्यकर्ता और आए हुए ग्रामवासी भाइयों, अभी हमारे शेषराम जी और तरुण जी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण को आपके सामने पढ़ा। इस अभिभाषण को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह सरकार की जो नीतियां होती हैं, केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, इन सब के लिए जो कार्यक्रम, नवयुवकों के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति महोदया अपने भाषण में पढ़ती हैं। आदरणीय मित्रों, यह कहते हुए गर्व होता है कि आज मोदी जी की और योगी जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। आज जितने भी कार्यक्रम सरकार के हैं वो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के कल्याण के लिए हैं। आज भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया है और आम आदमी की जो समस्याएं होती हैं, आम आदमी की जो परेशानियां होती हैं, उनके समाधान करने का प्रयास हमारी केंद्र की सरकार और हमारी राज्य की सरकार कर रही है। आप सोचेंगे कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम सरकार हमारे उत्थान के लिए कर रही है, तो मैं आपको खाली याद दिलाने के लिए कहना चाहता हूं कि 2017 के चुनाव के दिनों को याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी और मैं 2017 का चुनाव लड़ रहा था, तो उस समय हमारे केंद्र की सरकार